अध्यापन अध्यापिका से अभिभावन सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। प्यारे बच्चों, अतिथि यात्रा शांत हो जाइए। आप लोगों ने इतनी देर शांति से सुना, बस और 10 मिनट का प्रोग्राम है, फिर छुट्टी हो जाएगा। तो मैं आज कुछ विशेष नहीं बोलूँगा, मैं लास्ट में इसलिए लिया हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। कल ऑडिशन में था, मोर देन नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स ने नाम दिए, समय कम था, उसमें जो बेस्ट कर सके उनका सिलेक्शन किया गया है। मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बोलूँगा, केवल दो ही स्पेशली जो सॉन्ग करते हैं आप, अगर ट्रैक से करते हैं तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ट्रैक में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे पीछे होता है, और ट्रैक का साउंड बहुत ऊपर जाता है और आपका साउंड नहीं आता। स्टार्टिंग में जो एक दो ओवर ट्रैक थे उसमें केवल म्यूजिक ही आ रहा, साउंड नहीं आ रहा। विदाउट ट्रैक करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें क्या होता है, क्या आप गान करते हैं वो सबसे सुनाई पड़ता है, और ट्रैक में करना है तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज विदाउट ट्रैक कीजिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दो लोग ही ट्रैक में अच्छा किए, अभी जो बच्चे किए काफ़ी मेहनत, कल भी उन्होंने अच्छा किया था, आज भी अच्छा किया, इसके पहले भी गर्ल्स 4 की थी, उन्होंने भी 5 की, उन्होंने भी अच्छा किया ट्रैक पे। और विदाउट ट्रैक करेंगे तो सुनने में अच्छा लगता है, नहीं तो केवल म्यूजिक। और आप लोग को मालूम है 26 जनवरी कब है, 23 जनवरी, 11 सितंबर, 12 सितंबर, आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, और कैलेंडर में ऑलमोस्ट एनुअल फंक्शन का भी डेट दिया रहता है। डांस केवल एनुअल फंक्शन में ही होता है, वहाँ किसी प्रोग्राम में डांस नहीं होता, बाकी सब में पोएम, रिसाइटेशन, स्पीच सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग रहता है। तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर कीजिए ताकि और भी अच्छा कर सकें। और कुछ मिस्टेक्स रहता है स्पीच में, मैंने अब जब कल भी हमने ऑडिशन में बोला था, प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक रहता है, तो आप लोग या तो गार्डियन से, प्रशिक्षक से एक बार आप उसको क्लियर कर लें कि ठीक है कि नहीं, तो अच्छा रहेगा। आज भी कुछ एक दो बच्चे भूल बोले हैं स्पीच में, मैं ऑब्जर्व किया है, कल इतना समय नहीं था, मोर देन 150 और 170 स्टूडेंट्स का हमको ऑडिशन करना था, इसलिए आप लोग पहले से इस चीज़ को प्रिपेयर रहिए, आपको क्या करना है, क्या बोलना है, और संभव नहीं स्कूल में समय देने का, हमारे पास बिल्कुल टाइम, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, उसमें सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर CBSE का ट्रेनिंग करना है, फिर इन हाउस ट्रेनिंग करना है, और एग्जाम्स भी आते हैं बहुत सारे, फिर आपका क्लासेस बंद थे बीच में, तो इसके हम अलग से समय यहाँ पर नहीं दे सकते, और आप लोग को खुद ही करना होगा। फिर भी जिन्होंने किया काफ़ी अच्छा किया है, मैं सभी जो बच्चे यहाँ परफॉर्म किए हैं मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके अभिभावकों को, और आप लोग भी ठंडा में, आज का ठंडा ज़्यादा है, सन अभी जस्ट सूरज प्रकाश आया है, इसे कल फॉरकास्टिंग में देख रहा था तो उसमें था कि क्लाउडी नहीं रहेगा, बट आज सुबह से क्लाउडी था, अभी जस्ट सनलाइट आया है। तो आप सब जो बैठे अभिभावक बच्चे लोग, आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, सब तो देंगे ऑफिशियली, बट फिर भी ये मेरा दायित्व है कि आप लोग आए हैं और सुने, तो मैं चाहता हूँ और भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, ताकि हम इस चीज़ को स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक हम कर सकें, तो भी और हम स्कूल का, आप लोग का स्कूल का नाम आगे होगा। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद, महाराज का धन्यवाद, और अभिभावकों का धन्यवाद।